बच्चों कनेक्टेड में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ भारत आकार और स्थिति। इस पाठ में हम जानेंगे निम्नलिखित विषयों के बारे में, स्थिति, आकार, भारत तथा विश्व, भारत के पड़ोसी देश, पाठ से जुड़े प्रश्नोत्तर। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्थिति, भारत एक विशाल देश है। ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 27 पूर्वी देशांतर तक है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूहों का विस्तार ज्ञात कीजिए। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्र लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत हैं। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर से चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकड़ा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। चित्र 1.3 में देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर रेखा भारत की मानक याम्योत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर, जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, यूरोप, अफ्रीका के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। भारत का विश्व के देशों के साथ संबंध युगों पुराना है, परंतु ये संबंध समुद्री जल मार्गों के बजाय भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों में प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत के पश्चिम, मध्य,
दक्षिणी एशिया और पूर्वी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क है। इस प्रकार उपनिषदों में विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल आदि, कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वस्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। भारत के पड़ोसी देश। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 9 केंद्रीय शासित क्षेत्र हैं। भारत के भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ हैं। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी दो द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल सिंधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। आपने एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखता है। पाठ से जुड़े प्रश्न। पाठ के आधार पर कर्क रेखा के विषय में बताएं। भारत के किन प्रकार की वस्तुओं को ले जाया जाता था? कई यात्री भारत में पर्वत के दर्रों द्वारा क्यों आते थे? प्रश्नों के उत्तर। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 उत्तर में देश को लगभग दो बराबर भागों में बांटता है। भारत से मसाले, मलमल के कपड़े और अन्य कपड़े तथा व्यापार के कई और सामान ले जाया जाता था। कई यात्री भारत में पर्वत के दर्रों द्वारा इसलिए आते थे क्योंकि उस समय जलमार्ग ज्ञात नहीं था। बच्चों, आज का पाठ समाप्त हुआ। आशा है कि आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।